अब हो गया। अच्छा, लास्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट सम फॉरेन एक्सचेंज, बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग मोर इन डिटेल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। I think last we discussed about appreciation and depreciation of currency and how it impacts importers and exporters. ये हमने देखा था, right? कि importers को अगर currency appreciate होता है तो क्या effect पड़ सकता है, right? Similarly, if the currency depreciates, what will happen to the importer and exporter? This we have seen. If it is the currency depreciates, then basically the exporter will get benefited out of it, but the importer will be badly hurt. But similarly, on the other hand, if the currency appreciates, then the importer will be benefited. The importer will be benefited, but on the other hand, the exporter will not get benefited. This is what we have studied. Now, that is another particular thing which is known as forward rate code. Now, it is a particular term which I think you guys must be aware of in derivatives contract. Okay. Now, what does forward contract means? The contract which is we set the price which we have to pay in future. Sell in future. But why it is known as forward? Because there is no legal legal foundation in this, right? Similarly, in case of currencies, since there is an exchange of what? Exchange of two pair of currencies, right? Against each other. So if there are two kinds of rates. One is known as spot rate, which is the market rate, and another is the rate of the contract, which we known as the forward rate. Correct. जैसे derivatives जो का जो definition है, derivatives का definition क्या है? Derivative is an financial instrument which derives its price from an underlying asset with a fixed maturity period. ये डेफिनेशन है। तो अंडरलाइंग एसेट, इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी अ करेंसी, इट कैन बी एन इक्विटी, इट कैन बी अ बॉन्ड, एनीथिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में क्या है? करेंसी है। अब जिस दिन आप इस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे, तो उस दिन मार्केट में जो रेट चलेगा उसे क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। जो लाइव रेट्स हमेशा मार्केट के होंगे उसे हम स्पॉट रेट बोलते हैं। और आगे जाके आने वाले दिनों में जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, जो आप खरीदे रहे हो या बेच रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। तो अब अगर स्पॉट रेट, मार्केट का रेट इज बिलो देन दैट ऑफ द फॉरवर्ड रेट, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट स्पॉट रेट एज एसपी, एसपी इज लेसर देन द फॉरवर्ड प्राइस, then we will say that this contract is sold at a premium. Kya bataya? This contract is sold at a premium.
क्यों? क्योंकि देन एफ पी माइनस एस पी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे द कोट इट एज प्रीमियम, द कोट इज एट प्रीमियम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रेट्स क्या है नहीं है, ये लाइव हम देखेंगे भी मनी कंट्रोल में कि किस तरीके से फॉरवर्ड रेट्स दिया रहता है। देखो ओवर द काउंटर जनरली कमोडिटी के केस में होता है, ठीक है, करेंसी के केस में होता नहीं है। तो वो ऑन द फोन या और कोई लैपटॉप और उसका कोई एक्सचेंज का प्रॉपर तो नहीं होता ना? मुझे पता है जैसे कि मैं आपसे लूंगा बट डेरिवेटिव अगर मैं डील करूं तो मुझे पता नहीं है कि आप सेल कर रहे हैं पांच चीजें ना, वो पार्टी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसमें तो पता चलेगा। किसमें? ओटीसी में। हाँ ओटीसी में पता चलेगा, ओटीसी में पता चलेगा कि आप किससे खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि जो जापानीज येन है, यू नो जापानीज करेंसी येन, सो वन मंथ फॉरवर्ड मैंने तो यहाँ पे एक्सपायरी जो डेट है वो किया है, वन मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन इट्स स्पॉट रेट, तो 9034 इज द रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस 0.008999, राइट। तो ये देखिए जो 0.90 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.89, राइट, सो हेंस वी कैन से दैट दिस येन्स फॉरवर्ड रेट इज एट प्रीमियम, दैट इज हाउ वी विल स्पीक इन फाइनेंशियल टर्म्स। अगेन ऑन द अदर हैंड, अगेन देयर इज एन एग्जांपल दैट द ब्रिटिश पाउंड हुज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सिक्स मंथ्स फॉरवर्ड इज लेस देन इट्स स्पॉट, तो दैट मीन्स क्या इस केस में जस्ट आपका ये चीज उल्टा हो जा रहा है, दैट स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्यूचर रेट। सो विच मीन्स इस केस में जैसे ग्रेटर देन जीरो था तो इस केस में क्या लेस देन जीरो हो जाएगा, दैट एफ पी माइनस एस पी इज लेस देन जीरो। इज इट ओके? क्लियर हुआ कि कब प्रीमियम में ट्रेडिंग हो रहा है एंड कब में आपका डिस्काउंट में ट्रेडिंग हो रहा है? Is it clear to all of you? Okay, when the particular is traded at premium and traded at discount, yeah, when forward rate is greater than the spot rate, then it is traded as premium. When forward rate is less than the spot rate, it is traded at a discount. Is it clear? So, एक बार recap कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। हमने करेंसी जो मेजर करेंसी है उसके बारे में सीखा है कि कौन कौन से मेजर करेंसीज है, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड और क्या येन है, राइट, और कौन सा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये 4 to 5 करेंसीज मेजरली ट्रेड होता है। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखा है कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो करेंसी का कोड डिस्प्ले होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो किस मीडियम में होता है, अमेरिकन स्टाइल या यूरोपियन स्टाइल? यूरोपियन स्टाइल, राइट, दैट मींस अगेंस्ट डॉलर्स होता है हमेशा। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे है? अमेरिकन डॉलर, सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीन, ये तीन करेंसी का एक्सेप्शन है। क्लियर? एंड लास्ट हमने अभी क्या सीखे, देर आर टू काइंड ऑफ रेट्स इन द मार्केट, वन इज नोन एज फॉरवर्ड रेट एंड अदर इज द स्पॉट रेट। फॉरवर्ड मीन्स क्या, आगे जाके फ्यूचर में जाके जो प्राइस हमारा होगा, जिसे हम डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं एक्सरसाइज प्राइस, याद है एक्सरसाइज प्राइस, वी रीड समथिंग एज एक्सरसाइज प्राइस ना। तो यहाँ पे अगर इफ एक्सरसाइज प्राइस, जिसे हम फॉरवर्ड प्राइस बोल रहे हैं यहाँ पे, if exercise price is greater than the spot rate, then the contract is at premium, ठीक है, whereas if exercise price is less
then the spot rate, then the contract is at discount. Clear? Clear? Eh? Yes, sir. Now, generally, who are involved in foreign exchange? जनरली हमारा करेंसी मार्केट जो कंट्रोल करता है उसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, राइट? बाकी ट्रेडिंग कहाँ होता है? ट्रेडिंग नॉर्मल डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो यू कैन ट्रेड इन करेंसी. साथ साथ क्या जो एक्सचेंजेस है जैसे बीएससी, एनएससी, यहाँ पे भी करेंसी ट्रेडिंग होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बैंक जो है, बाकी कॉमर्शियल बैंक जो है जिनका फोरेक्स डिविजन है, तो वहां पे क्या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस. ठीक है, अब जब आप मार्केट में जाके कोई भी सर कोई भी करेंसी या तो परचेस करोगे या तो सेल करोगे, दो में से एक करोगे. नाउ वन इज फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अनदर इज फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू. तो सोच लो कि सपोज दीपांशु वांट्स टू बाय डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रहा है? दीपांशु इज एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू परचेस डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट. नाउ से फॉर एग्जांपल यू टू आर बैंक्स एंड दीपांशु इज अप्रोचिंग बोथ द बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट द रेट्स. Now say for example, Dipanju is going to Sarthak's bank first and Sarthak is offering a particular quote. One is known as the bid quote and another is the offer quote. A bid quote kya hai? Bid means to buy and offer means to sell. Now say for example, Sarthak is offering 76.45. bid quote and says 77.78 offer quote. Okay, and whereas Bharna's bank is offering 77 as the bid quote and say 79 as the offer quote. Is it clear? Sare figures clear hai? Now which as an investor which price do you think Dipanshu both the banks will give you to buy dollars? Do price hai na, ek bid ek offer, to kaun sa doge aap? Sarthak Madison is offer price hoga na, Madison sell karna hai, bilkul kyunki aapko sell karna hai. So always ye याद रखना कि जो भी मार्केट से खरीद रहे हो तो मार्केट विल ऑलवेज गिव यू द ऑफर रेट, और मार्केट अगर आपसे खरीदता है तो क्या बिड रेट में खरीदेगा. क्लियर? इज इट क्लियर? एंड अनदर ऑब्जर्वेशन इज इन बोथ द कोर्ट्स बिड इज लेस देन द ऑफर. इफ यू हैव विटनेस्ड, जब मैं एग्जांपल भी दे रहा था तो आपको बोला था मैं 76.45 एंड वो क्या 77 पॉइंट समथिंग था. एग्जैक्टली, तो ये हमेशा याद रखना कि बिड कोट इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ द ऑफर कोट. करेक्ट? ये और एक पॉइंट हमने सीखा आज. अब नेक्स्ट, अब जनरली मोस्ट ऑफ द करेंसीज क्या करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है. तो पेयर्स में आप जो देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है कि एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एवरी करेंट कंट्रीज करेंसी इज एब्रिविएटेड इन सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. सो फॉर एग्जांपल इंडियन रूपी इज एब्रिविएटेड एज INR. ओके, से डॉलर US डॉलर्स इज एब्रिविएटेड एज USD. Similarly, Chinese yuan, it's not yen,
It's yuan. And nowadays it is not also known as yuan. It is known as renminbi. Renminbi. Which is known as people's money. Actually, in Chinese terminology, it is known as people's money. So it is known as RMB. Okay. Renminbi. And now one more contradiction is, this is the currency of Republic of China. This is not of Taiwan. Taiwan has a new currency called New Taiwan Dollar NTD. And Hong Kong has its own currency, Hong Kong dollar. Then, if Hong Kong China meeting, it will be no. Maybe it, Hong Kong say China ke dusre jagah pe nahi chalega. Aapko fir renminbi change exchange karna padega. Hong Kong mein renminbi nahi chalega. And that is why the conflict is taking place na in China. Both Taiwan and Hong Kong wants to separate from the Republic of China. But China is not letting that happen. Because government is not providing them resources. Say, for example, if you go to Hong Kong, first of all, your cost of living is too high. You will not get a place. Hotels are there. Obviously, that's a business hub. So you will get hotels, but it is at a very steep price. But if you think that you will reside there, settle down with family, that's not possible because the cost of living is too high. Then how is possible that China government every day you will see that there are certain slogans which are going on, there are protests going on, and China is autocratically. Yes, everything is controlled by the government. That's why Jack Ma also was snubbed by the Chinese intelligence unit. I hope you know that he disappeared suddenly because he made some remarks on the government. So no people can say anything. After COVID, during that COVID regime only it happened. Now, mostly if you see the exchange rates, they are expressed in terms of US dollars only or the major five currencies. Okay. Now, if any other pair of currencies are given, then they are told as cross rates. Say, for example, Japanese yen against, Danish krone. Okay, Japanese yen against Danish krone. So this will be referred to as cross rate. Okay. मतलब euro to INR ऐसे हाँ ठीक है. Which is big US dollar नहीं. US dollar का involvement नहीं है तो वो सीधे cross rate है. Now there is another thing called home currency and foreign currency, जिसे हम base and quote currency भी बोलते हैं. तो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्लिक जो देख रहे हो आप स्क्रीन में, तो ऑब्लिक के लेफ्ट हैंड साइड में जो करेंसी लिखा हुआ होता है तो वो हमेशा बेस करेंसी होता है, एंड राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ होता है वो हमेशा कोर्ट करेंसी होता है. क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखो हमारे ऊपर जो एग्जांपल है, तो यूरो अगेंस्ट डॉलर जो लिखा हुआ है, सो हियर यूरो इज द बेस करेंसी एंड dollar is the quote currency. So that means here it means that 1 euro is equal to this much amount of dollars. Similarly, in the next quote, USD against Japanese yen, jo likha hua hai, to 1 USD equals to this much amount of Japanese yen. Clear? Ye janna bahut zaruri hai kyunki iske upar numericals yahi base hai. इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके और एग्जाम में भी शायद आ सकते हैं. अब बताओ कि ये जो आपके स्क्रीन में अभी एक मैंने प्राइस लिखा है,
What does it mean? Euro against dollar equals to 1.2102 euros is equal to 1.2106 dollars. क्या जो यूरो का प्राइस है 1.21 ना 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 1.2 यूरो की वैल्यू 1.21 उसके बराबर है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि यूरो इज द बेस एंड डॉलर इज द कोर्ट करेंसी। इट मींस व्हाट कि 1 यूरो इज इक्वल्स टू सम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब है, और मैंने अभी आपको एक चीज और बताया था कि बिड रेट एंड ऑफर रेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1.2102 है एंड अनदर वैल्यू इज 1.2106, तो इसमें बिड कौन सा है एंड ऑफर कौन सा है? ऑफर से 1.2106 है और बिड 1.2102, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें बिड इज ऑलवेज लेसर देन द ऑफर रेट। तो दैट मींस इफ वन वांट्स टू बाय 1 यूरो दे नीड टू पे 1.2106 यूएस डॉलर्स। इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ वन वांट्स टू सेल डॉलर्स वन वांट्स टू सेल यूरो, ओके, देन he will get how much? 1.2102 dollar for selling euro. Is it clear? Koi confusion? Aur ek baar puch lo. He will get 1.2106 dollars. 106 dollars. Do cheez hai. Sabse pehle aap euro khareedna chahte ho. My right hand resembles that I want to purchase dollars. Purchase euro. ठीक है? तो मुझे क्या मार्केट का ऑफर रेट से खरीदना पड़ेगा? मुझे डॉलर देना पड़ेगा ना? I have to give 1.2106 dollars to get 1 euro. Got the point? And second case में क्या बोल रहा हूँ कि I want to sell euro. I want to sell euro. So that means if I sell 1 euro, I will get 1.2102 US dollars. Is it clear? क्योंकि court currency क्या है? US dollars है. Correct. Seriously, today's class is very much challenging. बहुत ही खराब हिसाब किताब है यार। हाँ, आया, at last आया। इसका स्क्रीनशॉट ही ले लूं, नहीं तो पता चले कि फिर से मैं से कहाँ भूल गया। जस्ट मिनट, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
भाई साहब एक क्लिक इतना देर लग रहा है भाई गॉड। Yeah, now tell me that this first currency pair, this one, which code, what is the type of representation over here? This is a live, you have seen that I have captured the screenshots from Money Control. Now tell me which, in which format these codes are displayed? This is the first question. Look at it carefully. Look at it carefully. Let us go to the European terms. How they written? European terms? Dollar is always on the right. Okay. Now, if you look, now if you look at this code, this is done in American, right? First one, second one is also have used American terms. Yes or no? Yes. But if you look at the other two, it has used the European style. Exception means कि कभी कभार आप यूएसडी अगेंस्ट यूरो भी लिख सकते हो ना, वो अमेरिकन टर्म्स माने। सो नाउ
if you look at these current spot rates, यहाँ पे current spot rate भी दिया हुआ है. Now what does it mean actually? हाँ, that is on the spot market. Correct. For purchasing $1, we need to quote. सर, ये जो चल रहा है, अगर हम मार्केट से, जैसे आपने बताया, किसी बैंक से, बैंक का रेट है ना, बैंक का, बैंक में वो ही बिड ऑफर वाला रहेगा हमेशा. उसमें ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होगा, करंट स्पॉट से कई गुना ज्यादा होगा. तो ये बेसिकली अगर 75.90 चल रहा है, तो मार्केट में 76 कुछ का मिल जाना चाहिए. बैंक में आपको 76 के आसपास मिलेगा. और ये बाहर मार्केट में जैसे डीलर होते हैं, बाहर अगर मार्केट के डीलर से लेते हो तो कम रेट में मिल जाएगा. 75 से ना, 75 से नहीं, उस 0.9 मतलब उस टाइम पे जो रेट चलेगा लगभग उसी रेट के आसपास आपको मिल जाएगा. Now come to the next table, currency exchange rate table. Now tell me, there are two things. One is vertical, another is horizontal. So if we are comparing this dollar against all other currencies, then what kind of code it is? Is it an American code or an European code? इसने यूरोपियन बोला, उसने अमेरिकन बोला, अमेरिकन बोला. अच्छा, कैसे, थोड़ा सा बताना होगा. US लेफ्ट में है, करेक्ट. बाकी सारे करेंसीज राइट में है, राइट. सो दैट विल बिकम व्हाट, अमेरिकन टर्म्स. और अगर वर्टिकली देखा जाए US डॉलर्स को अगेंस्ट ऑल अदर करेंसी, तो यूरोपियन होगा. राइट साइड में डॉलर है, बाकी लेफ्ट साइड में सारे करेंसीज है, करेक्ट. तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी हॉरिजॉन्टली देखोगे तो वो लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन याद रखना. अगर लेफ्ट में डॉलर रहा तो क्या, अमेरिकन. राइट में डॉलर रहा तो यूरोपियन. अच्छा, अब फॉरवर्ड रेट. तो बताओ, अगर आप करेंसी सेलर हो, रिपीट, अगर आप करेंसी सेलर हो तो किस महीने का कौन सा रेट आप लोगे? अगर सपोज सार्थक वांट्स टू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद दीपांशु, देन विच पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल यू चूज? देखो, एनालाइज करो, यही सीखने वाला चीज है. किताबी लैंग्वेज पढ़ के कुछ नहीं होगा. सोचो, मैंने तो जस्ट एक सिचुएशन एनालाइज किया, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा. ये कौन सा
बोलो सर, मैं तो दोनों का यूज कर सकता हूँ ना। मुझे जो भी ऑप्शन तुम्हारा है लॉजिकल समझाना, ऐसे में हवा में बोलूंगा। मान लो मैंने सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 31 मई को 75 रुपीज 95 75.95 रुपीज की तरह से अपने बालों से दी। यहाँ पे ऑलरेडी फॉरवर्ड कोड्स दिए हुए हैं, आपको वही कोड्स लेना पड़ेगा, आप खुद से कुछ सेट नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कौन सा रेट ले रहे हो आप बताओ मुझे। 31 मई 2022 जहाँ पे 75.95 यही ले रहे हो ना। ओके, तो आज के टाइम पे स्पॉट रेट क्या है? पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना, एक स्पॉट रेट 75.09 करेक्ट। अब मुझे जहां तक अपना वो कैलकुलेशन से लग रहा है कि 31 मई को या उससे ऊपर होगा, तो मैं इस प्राइस पे इसके साथ डील कर लिया आज ही। तो व्हाई नॉट 28 से करेंसी में तो सोचो 2.5 लाख अगर INR आप पे करोगे तो 2.5 लाख INR मतलब उसे कन्वर्ट करो डॉलर इतना होगा, उससे बड़े होगा ना। तो जितना कम रेट में आप एक्सचेंज करोगे उतना ही तो आपके पास फायदा है। फ्यूचर में आप जब सेल करोगे दीवार शो या किसी और आपके पास आज फॉरवर्ड में आज फ्यूचर सेल करोगे वो तो फिर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में रेट गिरेगा या कुछ होगा तो उस हिसाब से फिर आपको क्या है, आपको फिर उसे स्क्वायर अप करना पड़ेगा। और आप स्क्वायर अप करोगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट ऑब्लिगेशन करेक्ट फ्यूचर में हो तो जनरल तौर पे ही इज विलिंग टू गो फॉर एन फॉरवर्ड राइट। तो दैट मींस आप बेच रहे हो, आप तो बेच रहे हो ना उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, उसे इफ ही इज एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस ही इज विलिंग टू पे 2.5 लाख रुपीस टू यू। तो सर अगर इफ आई वांट टू सेल तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? तो वो तो आपके पास चॉइस है, आपका डेट का चॉइस है क्या, किस मंथ का या कितने डेज का। जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है ही इज विलिंग टू बाय, ही इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, बिकॉज़ दीपांशु इज द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमेशा बायर ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा। तो सेल कर रहा है वो प्राइस ना, वो प्राइस तो ऑलरेडी लिस्टेड है एक्चुअली, वो फॉरवर्ड डेट ऑफ दैट वो फॉरवर्ड डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, जैसे आप देख रहे हो डेट बढ़ रहा है तो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहा है। ऑब्जर्व करना ऑन द साइड साइड में देखो जितना टाइम ड्यूरेशन टाइम वाला बढ़ रहा है तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी बढ़ रहा है। तो आप अगर माइनिंग की ऑब्जर्व करो जो लेटेस्ट रेट है वो 28 फेब का है, तो 28 फेब में उसका क्लोजेस्ट टू द स्पॉट रेट चल रहा है। उसमें अगर सार्थक खरीद देता है और ठीक है और उसे पता है कि आगे जाके वो रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो तभी तो प्रॉफिट पोजीशन वो होल्ड करता है ना इस सिचुएशन में। ये नहीं मतलब सर मैं आज के स्पॉट प्राइस पे खरीद के 28 फरवरी 28 के उस पर खरीद लिया। आप अगर फॉरवर्ड एग्रीमेंट लेते हो स्पॉट स्पॉट का बात अलग है, स्पॉट में तो तुरंत आप मार्केट से खरीदोगे। फॉरवर्ड में मैं इसको फॉरवर्ड में इवन टू से तो मैं आज 23 तारीख है तो आप 5 दिन बाद खरीदोगे, 5 दिन बाद मैं स्ट्रेट पे कैसे खरीदूंगा। ठीक है, और अगर वो उस 5 दिन बाद अगर ये रेट ना हुआ इससे कम ज्यादा हुआ वो प्रॉफिट है। तो अगर ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉफिट है, अगर कम हुआ तो सेलर राइट।
अगर आपको लगता है, मैं एग्री करूंगा तो ये आएगा, अगर आपको लगता है कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा ठीक है और आप लॉस में आ जाओगे, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप जिसे बोलते हैं सेटलमेंट बोलते हैं ठीक है, वो जनरली फ्यूचर्स में होता है बट फॉरवर्ड में आपके पास ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको हैंडओवर करना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर्स में क्या होता है कि अगर आप सोचते हो कि आगे जाकर प्राइस बढ़ेगा तो आप सार्थक के पास से वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा वापस खरीद सकते हो, बट